मंडे को एशिया कप के लिए भारतीय टीम के 17 सदस्यों की स्क्वाड का ऐलान किया गया। जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है उसमें कप्तान होने वाले हैं रोहित शर्मा, तो वाइस कप्तान होने वाले हैं हार्दिक पांड्या। लेकिन जैसे ही टीम का ऐलान हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर मुंबई इंडियंस ट्रेंड करने लगी। आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस एकदम से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। कारण ये है कि जो 17 सदस्यों की स्क्वाड का ऐलान किया गया है इस एशिया कप के लिए भारतीय टीम का, उन 17 में से 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुंबई इंडियंस से जिनका कनेक्शन रहा है। वो खिलाड़ी ऐसे हैं या तो अभी इस समय आईपीएल मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं या फिर खेल चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पे नाम आता है रोहित शर्मा का, जो टीम इंडिया के कप्तान भी हैं, तो आईपीएल मुंबई इंडियंस की भी कप्तानी करते हैं। तो इनके साथ और जो इस लिस्ट में जुड़े हुए हैं वो है तिलक वर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह। ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी इस समय आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए करेंटली खेल रहे हैं। बुमराह अभी इस समय बाहर चल रहे थे, उन्होंने ये सीजन में नहीं खेला था आईपीएल का अपनी इंजरी के चलते, लेकिन अब उनकी टीम इंडिया में वापसी हो गई है, तो अगले साल हमें आईपीएल में खेलते हुए नजर आने वाले, लेकिन वे मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलते हैं। इन 4 के अलावा खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। ये 3 खिलाड़ी हैं जो मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। हार्दिक पांड्या जो 2015 से 2021 तक मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलते थे लेकिन अब गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हैं, तो ऑलराउंडर अक्षर पटेल जो 2013 में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स से खेलते हैं, तो वही कुलदीप यादव चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव जो 2013 तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे लेकिन अब वे दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। तो काफ़ी लोग इस बात के लिए ये मान रहे हैं कि जो 17 खिलाड़ियों के स्क्वाड है उसमें से 8 खिलाड़ी ऐसे जो मुंबई इंडियंस है जिनको चुना गया, तो यहाँ पे फेवरेटिज्म दिखाया गया है कि उन खिलाड़ियों को भी स्क्वाड में जगह मिली जो डिजर्व नहीं करते थे क्योंकि वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा है। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको मौका मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, कारण ये क्योंकि वो मुंबई इंडियंस से नहीं खेले हैं। जिनको मौका मिला है जो डिजर्व नहीं करते थे लेकिन, वो है सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। सूर्य कुमार यादव के ओडीआई में स्टैट्स हम सारे जानते हैं कितना खराब प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ पे मौका मिला है एशिया कप के लिए। तो तिलक वर्मा का अभी तक ओडीआई में डेब्यू ही नहीं हुआ है। T20 में एक उन्होंने अच्छा खेल लिया पारी, 5 मैचों की जो T20 सीरीज उसमें अच्छा प्रदर्शन दिखाया और उन्हें शामिल कर लिया। ऐसा नहीं होता, ये काफ़ी गलत किया है यहाँ पे तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को स्क्वाड में शामिल करके। तो भाई जिनको मौका मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला क्योंकि वो मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा नहीं थे, वो नाम है यहाँ पे संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल। संजू सैमसन को बैकअप प्लेयर ऐसा रखा गया है लेकिन उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया जबकि उनके ओडीआई के स्टैट्स काफ़ी अच्छे थे। सूर्य कुमार यादव से बहुत अच्छे थे लेकिन फिर भी उनको मौका नहीं दिया गया, तो वो युजवेंद्र चहल उन्हें नहीं दिया गया। तो काफ़ी लोग ऐसा कह रहे कि फेवरेटिज्म दिखाया गया है और जो खिलाड़ी मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे उन्हीं को मौका दिया गया है। क्या आप लोग इस बात से सहमत करते हैं? आप लोग इस बारे में क्या लगता है मुझे फटाफट से कमेंट जरूर बताइए। आप देखिए तूफान स्पोर्ट, इस वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।